बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मिसबा दानिश, आप देख रहे हैं किचन विद मिसबा दानिश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार दही बड़ा चाट बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें अज्जा चाहिए। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 3 टेबल स्पून इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 3 टेबल स्पून क्रीम, 1 कप उबले हुए चने, 1 कप उबले हुए आलू, 1/2 केजी दही, 1 दरमियानी साइज प्याज इस तरह चॉप की हुई, 1 दरमियानी साइज टमाटर इसी तरह चॉप की हुई, बेसन के बड़े। बड़े बनाने के लिए हमें अज्जा चाहिए। 1 कप बेसन, 1 छोटा ग्लास पानी, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून दरदरा पिसा हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून नमक। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन में हम बेकिंग पाउडर, नमक, जीरा और 1/2 पानी ऐड करेंगे और विस्क की हेल्प से हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम मजीद पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां ना रहें। इसमें हम मजीद पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग अच्छी तरह हो चुकी है, टेस्ट को हम बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल को हम गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें बड़े फ्राई करेंगे। इस तरह हम एक बड़ी चम्मच में बेसन लेंगे और इसको दूसरी चम्मच के साथ ऑयल में डिप कर देंगे। इसी तरह हम दूसरा बड़ा भी डालेंगे। इस तरह हम तमाम बड़े डालेंगे। बड़ों को हम गोल्डन होने तक पकाएंगे। अब हम बड़ों की साइड चेंज करेंगे। बड़े हमारे गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकालेंगे। इसी तरह हम तमाम बड़ों को बनाकर तैयार करेंगे। बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको पानी में डिप करेंगे। बॉल में हम पानी लेंगे, तकरीबन 3 से 4 कप पानी लेंगे और अब हम बड़ों को इसमें डिप करेंगे। 10 मिनट के लिए हम डिप करके रखेंगे। टेन मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम बड़ों को पानी में से निकालेंगे। एक बड़ा लेंगे हम इस तरह हाथ में और उसको हाथ प्रेस कर लेंगे ताकि पानी इसमें से निकल जाए। इसी तरह हम दूसरा बड़ा लेंगे, उसको भी इस तरह प्रेस करते हुए इसमें से पानी निकालेंगे। इसी तरह हम तमाम बड़ों में से पानी निकालेंगे। 10 मिनट से ज्यादा पानी में डिप करके नहीं रखना, ये बहुत नरम हो जाएंगे। अब हम दही बनाएंगे। दही में हम क्रीम ऐड करेंगे, और साथ ही हम नमक ऐड करेंगे। अब हम बीटर की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे।
दही हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड पे करेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम चने ऐड करेंगे, आलू, प्याज और टमाटर। अब हम इनको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग हो चुकी है, अब हम इसको साइड पे करेंगे। अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे, सर्विंग बाउल में हम सैलेड डालेंगे, इसकी एक लेयर लगाएंगे हम। सैलेड की लेयर हमने लगा दी है। अब हम इसमें दही डालेंगे। अब हम इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर बड़े रखेंगे। अब हम बड़ों के ऊपर दही ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे। चाट मसाला डालेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। लीजिए, मजेदार दही बड़ा चाट तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आसानी से मिलेगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।